विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद द्वारा विकास भवन के सभागार में एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सीडीओ संजय कुमार मीना ने दीप प्रज्वलित कर विचार गोष्ठी प्रारंभ किया, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीना ने बताया कि मत्स्य दिवस के अवसर पर मछुआरे समुदाय के लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया, उनके आमदनी में किस तरह से बढ़ोतरी कर सकते हैं और वे किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छे से जी पाए, इस लक्ष्य के साथ में बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य संप्रदाय योजना के बारे में जानकारी दी गई, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो भी कार्रवाई या गतिविधियां हैं, कोई भी व्यक्ति जो मछली पालन करना चाहता है वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। वही उपनिदेशक मत्स्य बृजेश कुमार ने कहा कि अब तक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अनुदान लेने द्वितीय वर्ष में लगभग 75,000 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया है, जिसमें से लगभग 16,000 आवेदकों को नियमानुसार अनुदान का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालक प्रदर्शनी का लाभ उठाएं तथा अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों से अपने शंका का समाधान भी करें। मत्स्य क्षेत्र में राजस्व की बढ़ोतरी होगी तथा अधिकाधिक एवं रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालक NBFGR संस्था के वैज्ञानिकों से समन्वय स्थापित कर तकनीकी रूप से मत्स्य पालन करें तथा मछलियों के आधार कार्ड, जिसे फिश टैगिंग कहा जाता है, उसकी भी जानकारी प्राप्त करें। इस अवसर पर उपनिदेशक मत्स्य बृजेश पाठक, वरिष्ठ वैज्ञानिक KPK SK तोमर सहित अन्य मत्स्यपालक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप निदेशक मत्स्य बृजेश कुमार एवं CDO संजय कुमार मीना ने कहा, इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय CDO साहब का आगमन हो गया है। महोदय की अनुमति हो तो हम लोग अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। नेम शंकर उपाध्याय जी, क्या है आपका? कहाँ पर? अच्छा चला ना, अच्छा चल रहा है। नारायण को बोला कर रहे हैं मेरे अतिथि हैं आज। मेरा निवेदन है कि रंजीत सिंह साहब जो हमारे CEO हैं, अब मेरा निवेदन है मुख्य अतिथि महोदय से कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। अजय सिंह साहब, आज का जो यह कार्यक्रम है, इसके आयोजन का उद्देश्य क्या है, आयोजन किया गया है, इसकी थोड़ी रूपरेखा डॉक्टर सिन्हा जी, आज 21 नवंबर को विश्व मास्क दिवस मनाने के लिए हम लोग मास्क दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम लोगों ने हमेशा से, चाहे नदियां हो चाहे समुद्र हो, उनसे लिया ही है, हमने सर उनको दिया नहीं, कभी हमने दिया है, हमने कोई उनको कचरा दिया है, पॉल्यूशन दिया है। इन तमाम समस्याओं का कारण जो है, ऐसा समय आ गया कि हमारी जो मछलियाँ थी, दो तिहाई मछलियाँ वो विलुप्त होने का कारण है। उसका मेन कारण है पॉल्यूशन है, और जो है उनकी जो ब्रीडिंग हैबिट है वो डिस्टर्ब हो गया है, सिस्टम जो है कोलैप्स हो रहा है पूरा। तो हमें जो मत्स्य उत्पादन है उसमें स्थिरता लाने के लिए, कैसे आगे भी जो है हमें मछलियाँ मिलती रहें, उन सब पर जो है मंथन के लिए ये हर साल जो है मत्स्य पालकों को, मछुआरों को, उनके हितधारकों को, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको एकजुट करके उनको जानकारी दी जाती है। जल आती है लेकिन पानी नहीं पीती है, जल में रहते हुए पानी नहीं पीती है, वो पूरे पानी को फिल्टर करती है, उसको चाहिए ऑक्सीजन। दोनों जगह जो है ऑक्सीजन जो है बहुत आवश्यक है, लेकिन प्रदूषण कारण ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। मत्स्य
उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, विश्व में दूसरे स्थान पर है, और निर्यात करने में चौथे स्थान पर है। इतना हमारे पास पर्व होता है, चाहे कल्चर हो चाहे कल्चर हो। ब्रजेश कुमार नाम है, उपनिदेशक मत्स्य गोरखपुर मंडल। आज जो है 21 नवंबर को विश्व मात्स्यिकी दिवस है। यह जो है प्रोग्राम पूरे विश्व में आज के दिन मनाया जाता है। खासकर जो है जो हमारा मत्स्य संपदा है वह सतत जो है घटता जा रहा है, उस पर जो है मंथन किया जाएगा कि कैसे उसको हम जो है स्थिर रखें, कैसे उसको हम बढ़ाएँ, और जो हमारे मत्स्य पालक हैं उनके हितों की रक्षा कैसे हो सके, इसलिए कार्यक्रम कराया जा रहा है। जो है हमारा 4 घंटे कार्यक्रम है। इसके बाद हम लोग रिवर रेंजिंग कार्यक्रम रखे हैं। नदियों में भी हमारी जो है मत्स्य संपदा घटती जा रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए रिवर रेंजिंग कार्यक्रम रखा गया है। आज विश्व मत्स्यिकी दिवस वर्ल्ड फिशरीज डे के उपलक्ष्य में जो फिशरीज डिपार्टमेंट द्वारा एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जितने भी मछुआरे समुदाय के लोग हैं जो उनको सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में जागरूक करने के साथ ही उनको किस तरीके से हम लाभान्वित कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी आमदनी में हम लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं, और उनको कैसे हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि वो लोग अपनी आजीविका जो है अच्छे से जी पाए, इसी के संबंध में बैठक की गई है, जिसमें सरकार द्वारा संचालित जो हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो कार्रवाइयाँ हैं, गतिविधियाँ हैं, वो कोई भी व्यक्ति जो मछली पालन करना चाहता है वो इस योजना का लाभ उठा सकता है।